हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके और ये सारे क्वेश्चन पुरानी भर्ती में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे पूछे जा सकते हैं। और साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन बनी है उसको भी प्रेस कीजिएगा। जैसे हम वीडियो अपडेट करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जयन सिविल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर 2016 को, उसमें ये 40 राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी। नृत्य रत्न कोश की जो रचना है वो की थी कुंभा ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लाल काली मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काली मृत भांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है आहड़, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, मेवाड़ और मालवा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, खजवा युद्ध, यहाँ पे खजवा युद्ध की बात चल रही है जो 1659 में औरंगजेब के साथ किसने किया था। औरंगजेब के साथ 1659 में खजवा युद्ध किसने किया था, 4 का राइट आंसर होगा जसवंत सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्न में से स्कूट कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत आपको इसके अंदर से बताना है कौन सा गलत है। बिल्कुल श्रीनाथ जी सही है, द्वारका दी जी ये भी सही है और गोविंद देव जी ये भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सी अपना उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे है। मीठे साहब की दरगाह गागरोंदरू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो ये जसनाथ जी ने की थी और ये प्रश्न डिलीट हुआ था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, जो जसनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, गुलाम अली बलदेव सालिग्राम और चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है। गुलाम अली और बलदेव और सालिग्राम इनका जो संबंध किस चित्र शैली से, बिल्कुल अलवर से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 9 की हम बात करेंगे, लिमिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनके लेखक पूछे जाते हैं, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के राइटर थे जॉर्ज ग्रीशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, तिथि से संबंधित प्रश्न बनते हैं, हरियाली तीज मनाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, क्षारबाग स्थित है, क्षारबाग स्थित है ऑप्शन ए बूंदी में। 13 की हम बात करेंगे, पंडित न्यूनराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से, न्यूनराम शर्मा का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, तो हाड़ौती प्रजामंडल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता, कानपुर से, ऑप्शन इसी इसका सही उत्तर होगा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र का जो केंद्र है वो अजमेर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे, बालद क्या थे, बालद क्या थे, ऑप्शन ए सारथवाय। क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे बात चल रही है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो धौलपुर के शासक को यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया था। 17 की हम बात करेंगे, उदयपुर में देश हितेशनी सभा का गठन किसने किया, देश हितेशनी सभा का जो गठन है वो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। 18 की बात करेंगे, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, सूर मंडल,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तुंगा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तुंगा युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। अगर मैं जीत रहा तो जयपुर को धूल में मिटाल दूंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की हम बात करेंगे, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1838 में। क्वेश्चन 21 की हम बात करेंगे, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3,42,239, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार कहाँ पे? मालवा का जो पठार है, जल्दी से आप लोग बताइए, दक्षिण पूर्वी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ सबसे ज्यादा कोटा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी, हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, मेंढा नदी। राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोठारी, लूनी, जाखम, माही, सुकड़ी, बनास, बाणगंगा, चंबल। ये सहायक नदियों का मिलान किया गया है और इसमें से यहाँ पे पूछा गया है कि युग्म सुमेलित सही है, ऑप्शन सी जाखम माही। 26 की हम बात करेंगे, राजस्थान में मावठ वर्षा होती है? मावठ वर्षा किससे होती है? बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी से, 27 कपास और मक्का। देखिए कपास या नरमा जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा, मक्का भी यही। 28 की बात करेंगे, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? शुष्क सागवान सबसे ज़्यादा बारिश का, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, उस साइड में सबसे ज़्यादा सागवान के वन। 29 की हम बात करेंगे, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण मैदान। 30 की बात करेंगे, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाती हैं? मेवात नस्ल 30, देखिए मेवात एरिया जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ऑप्शन सी जिसे मेवात क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल ये भरतपुर में, 31 ऑप्शन ए। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? जैविक उद्यान नारगढ़, सज्जनगढ़ तो है ही, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, माचिया भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 33 की बात करेंगे, राजस्थान में नेहरू द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 2013-14 की रिपोर्ट है, क्योंकि 2016 का जो पेपर है उसमें ही आया था, अभी की रिपोर्ट अलग है। तो यहाँ पे 33 के अनुसार 2013-14 के अनुसार आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम 29.75। 34 की बात करेंगे, नदी घाटी परियोजना और इनका सहयोगी राज्य यहाँ से पूछा गया है, और इनमें से जो असंगत यानी गलत आपको बताना है। तो 34 में से जैसा कि जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सी यहाँ पे गलत है, व्यास, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, 35 माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पे निर्मित है? 35 कहाँ पे बना हुआ है? बोर खेड़ा जो कॉर्नर पे। 36 राजस्थान में उपलब्ध भू जल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग लिया जा रहा है भू जल का? 36 50%। 38 की बात करेंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, देखिए राजमार्ग संख्या बदलती रहती है, ये 2016 का पेपर है, तो आप लोग जो है लेटेस्ट देखिएगा। यहाँ पे हम राजमार्ग संख्या 12 की बात करें, NH 12, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, 39 राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए, पाइराइट के विशाल भंडार सीकर में।
और आखिरी क्वेश्चन जो आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं 14 का, आपको आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने सही उत्तर दे पाते हैं, उनके मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जो भी सही उत्तर देगा उनके नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊँगा उनका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप सभी के सामने है जो खनिज के और इनका जो खनन क्षेत्र दिया गया, इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तीन सही है, एक गलत है। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली राजस्थान जी की ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।